नमस्कार, ताजा अपडेट के साथ मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्र की खबरें देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ जिले में हुए बसपा नेता कलामुद्दीन हत्या का पुलिस अधीक्षक ने खुलासा कर दिया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस केस में 6 लोग नामजद थे, जिसमें पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने पिस्टल भी बरामद कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में एक का नाम रिजवान अहमद है तो दूसरे का नाम मोहम्मद कासिम है। दोनों खुन्नरपुर गांव के निवासी हैं। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में पता चला कि इस हत्या के तार दुबई से जुड़े हुए हैं, जो सोची समझी प्लानिंग के द्वारा 2 अज्ञात शूटर व 1 स्थानीय शूटर मुस्तफिर के द्वारा बसपा नेता पर गोली चलाकर हत्या की गई थी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि कल मृतक कलामुद्दीन के भाई से अली शेर व मसरूर दोनों दुबई में रहते हैं। पुलिस अधीक्षक ने भी बताया कि 2012 में खुर्शीद की हत्या बाबू द्वारा की गई थी, जो कलामुद्दीन का सहयोगी था, जिससे नाराज होकर कलामुद्दीन ने वर्ष 2020 में कामरान की निर्मम हत्या कर दी थी। इस प्रकार खुन्नानपुर से लेकर दुबई तक पार्टी बंदी हो गई थी। एक का नेतृत्व दुबई में बैठा मसरूर व अली शेर तो वहीं दूसरे का नेतृत्व मृतक कलामुद्दीन करता था। और क्या कुछ कहा घटना के बारे में सुधीर सिंह एसपी आजमगढ़ में, आपको सुनवाते हैं। हत्या की गई थी, उसका खुलासा हो गया था, कौन अपराधी है और किन वजहों से हत्या को अंजाम दिया था? देखिए, 15 फरवरी को कलीमुद्दीन जब अपने घर जा रहे थे तो इनकी हत्या कर दी गई थी, और उस हत्या में 6 लोग नामजद हुए थे, जिसमें कुछ लोग दुबई में हत्या के समय थे, वो 120वीं में थे, और बाकी लोग गांव के लोग थे। इसमें आज उस हत्या का पूरा खुलासा हुआ है, उसके कारणों का भी खुलासा हुआ है। इसमें 2 लोग, एक रिजवान और एक कासिफ, ये 2 लोग पकड़े गए हैं, और इनके पास से हत्या में प्रयुक्त 32 बोर का रिवॉल्वर भी, पिस्टल भी बरामद हुआ है। खोखे भी इनके पास से बरामद हुए हैं और कारतूस भी इनके पास से बरामद हुए हैं। घटना के बारे में जब इनसे पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि ये जो मृतक था कलमुद्दीन, ये आपराधिक प्रवृत्ति का था, और दुबई में जो दुबई से जो अवैध कारोबार किया करते थे गांव के लोग, उनकी रंजिश के आधार पर पहले भी इस गांव में मर्डर हुए हैं। इसने कलीमुद्दीन ने पहले 1989 में एक मर्डर किया था अपने साथियों के साथ, और फिर दूसरा मर्डर 2020 में दूसरा मर्डर इसने किया, वो भी विपक्षियों का किया था, उसी रंजिश में इसका मर्डर किया गया। और इसमें जो दुबई से बैठ के जो कारोबार किया करते थे, उसकी प्रतिद्वंदता के आधार पर ये मर्डर, पहले भी मर्डर हुए थे और अब भी मर्डर किया गया है। कुछ लोगों द्वारा ये प्रचारित किया गया था कि ये जो पार्टीबाजी की रंजिश के कारण ऐसा हुआ, लेकिन ऐसी कोई बात इसमें नहीं पाई गई है, और ये प्योरली मर्डर जो है वो गांव की रंजिश का है, जो इनकी प्रतिद्वंदता, जो इनकी जो कारोबार है उसकी प्रतिद्वंदता के आधार के ऊपर ये मर्डर किया गया है। देखिए, उस पर सब जांच चल रही है, उस विषय में अभी जांच चल रही है, और क्या इनका कारोबार था, क्या लोग कहते हैं कुछ अवैध कारोबार था, कुछ हवाला का कारोबार था, लेकिन उस विषय में अभी जांच चल रही है, उस विषय में अभी हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जो बात सामने आई है, जो आपस में बात आई, वो यही है कि इनके उस कारोबार के कारण ही ये मर्डर हुआ। ये इनकी CDR से भी एस्टेब्लिश हुआ है कि जो प्लानिंग हुई वो एक दिन पहले हुई और 15 तारीख को ये मर्डर हुआ। सर, जो सर्विस किए हैं वो उनकी गिरफ्तारी कैसे की जाएगी और कब तक की जाएगी? देखिए, जो बाहर लोग बैठे हुए लोग हैं, उनका एक प्रोसीजर है, और वो जो हमारा विदेश मंत्रालय, उसके थ्रू वो यहाँ से गिरफ्तारी वारंट लेके जाएगा, और वो उसके आधार पर फिर इनका प्रत्यर्पण होगा और इनकी उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ के मेहंदीगढ़ थाना क्षेत्र के बैकैंडपुर गांव के रहने वाले सूरज मिश्रा, जो पूर्व में सिवली नेशनल पीजी कॉलेज के छात्र संघ के नेता थे, वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य पद पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। आज SP कार्यालय पर वह जनपद के कई कॉलेजों के छात्र नेताओं संग पहुंचे हैं और SP को एक प्रार्थना पत्र सौंपा। उन्होंने मीडिया को बताया कि चुनाव रंजित को लेकर गाँव के कुछ मनबल बबूलपंथ किस्म के लोगों ने उन पर फायर किया है, जिसकी सूचना उन्होंने मेहनगढ़ थाने पर उसी दिन दिया, लेकिन मेहनगर पुलिस ने अपराधियों को गिरफ्तार भी कर लिया, परंतु दूसरे दिन उन्हें छोड़ दिया, जिससे पीड़ित छात्र नेता को जान माल का खतरा है। उन्होंने SP को ज्ञापन सौंपने के बाद मांग की है कि तत्काल दबंगों की गिरफ्तारी करें और इन्हें न्याय दें।
मैं सूरज मिश्रा, शिवली नेशनल कॉलेज पूर्व छात्र नेता, और पिछले 15 दिसंबर को हमारे ऊपर जानलेवा हमला हुआ था, जिसमें हमने एसपी साहब को और थानाध्यक्ष महोदय को भी सूचना दिया था। उसमें आकर के एसएचओ महोदय ने पूरी जांच पड़ताल किया और जिन लोगों ने हमला किया था उन लोगों को उठा करके वो थाने में बंद कर दिए। उसके बाद दूसरे दिन हमने जाकर के दरखास्त दिया और एसएचओ साहब से पूछा कि सर उसमें 4 लोग थे और असलाह से पूरा 7 थे, तो उन्होंने कहा कि हाँ असलाह बरामद हो गया है और 2 असलाह और बचा हुआ, ये भी परसों बरामद हो जाएगा। उसके बाद 2 दिन बीता, उसके बाद जिन अपराधियों को उन्होंने पकड़ा था छोड़ दिया उन्होंने। उसके बाद हमने फिर आकर के एसपी साहब से निवेदन किया कि सर ऐसी सी बात है और इस तरह से हमारे साथ इस तरह से प्रकट हुआ है। उसके बाद पिछले 4 दिन पहले 14 फरवरी को हमारे संबंधित एक बबलू दुबे हैं, उनके घर जाकर के फायरिंग किया। उनके पिताजी रिटायर्ड फौजी हैं और उनकी माताजी जब दोनों लोग पहुंचे थाने पे तो भद्दी भद्दी गालियां दे करके एसएचओ साहब ने उन लोगों को भगा दिया। और ये सब चीज़ों से हम पूरे ग्रामवासी पीड़ित हैं और इसी चीज़ को लेकर के हम लोगों ने आकर के आज एसपी महोदय से ये पूरी बात रखी है। एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि इस पर उचित कानूनी कार्रवाई करने की हम लोग पूरी तैयारी करेंगे। क्या आपने हमलावरों का नामजद किसी हाँ, पहचाने आप? हाँ पहचाना मैंने। कौन था? उसमें 3 लोग थे, एक अंकज सिंह पुत्र रामजी सिंह ग्राम बसारीपुर थाना मेनगर, और एक आकाश सिंह ग्राम कूढ़ापार, और एक सूर्यमन प्रजापति। जो गिरफ्तार बंदे हुए थे क्या वो जमानत करा के छोड़े कि थाने से छोड़ दिया गया? नहीं, उसमें फायरिंग हुआ था और खोखा भी बरामद हुआ पुलिस के लोगों को, लेकिन उसके बावजूद 151 में जमानत करा दिया गया। और आए दिन लगातार कंटिन्यू जो है गांव में असलाह ले लेकर के घूम रहे हैं और पूरे ग्रामवासी इसे भयभीत हैं। आप क्या कहते हैं जी? आप क्या कहते हैं? हम चाहते हैं कि उस पर उचित कानूनी कार्रवाई करने की कृपा करें एसपी महोदय साहब, और जो भी इस तरह से पकड़ा गया है उस पर गंभीर धारा लगा करके जेल भेजने की कृपा करें, नहीं तो भविष्य में कोई भी घटना हो सकती है। पूरे ग्रामवासी और हम खुद बहुत भयभीत हैं इसको लेकर के। आज बलरामपुर जनपद के थाना महाराजगंज तराई क्षेत्र के प्रमुख मार्ग NH 730 पर शिवानगर गांव के पास स्कॉर्पियो और भूसा लदे ट्रैक्टर ट्राली के बीच टक्कर हो गया, जिसमें स्कॉर्पियो के परकच्चे उड़ गए। स्कॉर्पियो में सवार एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 महिलाओं समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को एम्बुलेंस की मदद से बलरामपुर संयुक्त जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया। घायलों की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद 4 लोगों को लखनऊ के लिए रेफर कर दिया, लेकिन लखनऊ जाते समय रास्ते में ही स्कॉर्पियो चालक दीपू 25 वर्षीय की मौत हो गई, जबकि एक 17 वर्षीय बच्चे की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। हालांकि अपर पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार मिश्र ने एक व्यक्ति के मौत होने की और पुष्टि की है। बता दें कि सभी लोग पुराने बाजार पचपड़वा के निवासी थे, जो गाड़ी बुक कराकर लखनऊ दवा इलाज के लिए गए हुए थे, लेकिन लौटते समय यह भीषण हादसा हो गया। दुर्घटना और मौत की खबर से परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है, घर में मातम पसरा हुआ है। क्या कुछ कहा अपर पुलिस अधीक्षक बलरामपुर अरविंद कुमार मिश्र ने, आपको सुनवाते हैं। आज दिनांक 19 फरवरी को थाना महाराजगंज तराई क्षेत्र के शिवानगर स्थित बौद्ध सर्किट रोड पर एक स्कॉर्पियो और ट्रैक्टर ट्राली में दुर्घटना हुई, जिसमें पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई और पुलिस की सहायता से सभी को जिला मेमोरियल हॉस्पिटल लाया गया, जिसमें 4 दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को रेफर कर दिया गया है और एक व्यक्ति का इलाज चल रहा है। मौके पर शांत व्यवस्था कायम है, वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। 16 फरवरी को उन्नाव में आयोजित स्वर्णकार समाज एसोसिएशन की बैठक में आजमगढ़ के लोकप्रिय नेता भाजपा युवा मोर्चा के क्षेत्रीय कार्य समिति सदस्य रंजीत वर्मा राजा को प्रदेश अध्यक्ष मुकुल वर्मा द्वारा आजमगढ़ का जिलाध्यक्ष घोषित किया गया। आजमगढ़ प्रथम आगमन पर समर्थकों द्वारा भवरनाथ पर भव्य स्वागत किया गया। इसके उपरांत सिधारी हाटिल चौराहे पर ढोल नगाड़े के साथ स्वागत एवं माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर रंजीत ने कहा कि शीघ्र ही जनपद में संगठन की इकाई गठित कर अपने समाज के शोषित पीड़ित भाइयों की आवाज़ मजबूती से उठाने का कार्य किया जाएगा। इस अवसर पर राजन गुप्ता, गौरव रघुवंशी, शशांक तिवारी सहित कई लोग मौजूद थे। मुझ जैसे कार्यकर्ता पर उन्होंने विश्वास किया कि पूरे आजमगढ़ का नेतृत्व करना है, समस्याओं का समाधान करना है, ये मेरे लिए गर्व की बात। अच्छा, जैसे कि आपके साथ इतने आपके कार्यकर्ता हैं और सहयोगी हैं, तो मतलब जैसे लोग कहते हैं कि आप कितना गौरवान्वित हो रहे हैं और क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं गोरखपुर क्षेत्रीय कार्य समिति सदस्य भारतीय जनता पार्टी का हूं। पद कोई वस्तु नहीं जिसको बांटा जा सकता है, पद एक सम्मान है
और कार्य के अनुसार हर एक कार्यकर्ता को सम्मान मिलता है। सर आगे आगामी चुनाव भी है सभा का, तो ऐसे में आप युवाओं को और अपने क्षेत्र में किस तरीके से तैयारी करेंगे पार्टी को और मजबूत बनाने के लिए? जैसा कि आप जानते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। स्वर्णकार समाज, व्यापारी समाज एक ऐसा तबका है जो हर चुनाव को प्रभावित कर सकता है, तो मुझे उन्हीं के नेतृत्व के लिए, उन्हीं लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए चुना गया है। तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं पूरे लगन और जोश के साथ लगूं कि उनकी समस्याओं का समाधान हो, जिससे उन लोगों का विश्वास हम लोगों पे हो और विश्वास के साथ वो अपना वोट दें। अच्छा, तो उनके नेतृत्व के लिए आप क्या मतलब सदैव तत्पर इसी तरीके से रहेंगे जैसे आज हैं? जैसा कि आप जानते हैं युवाओं में ऊर्जा की कमी नहीं होती है, और जितने यहाँ युवा बैठे हैं ऊर्जा की किसी के अंदर कमी नहीं। किसी को भी ये दायित्व मिलता तो मैं जानता हूँ मुझसे अच्छा भी कर सकते हैं, ऐसे ऐसे लोग यहाँ पे आए। तो जिम्मेदारी मुझे मिली है, मैं युवा हूँ और पूरे जोश और खरोश के साथ मैं कार्य करूंगा। नहीं, स्वर्णकार समाज के लिए आप किस तरीके से? स्वर्णकार समाज का आए दिन समस्या होता है, लूटपाट, चोरी, छिनैती, डकैती, क्योंकि एक ऐसा व्यापार है जो कि बहुत क्रीमी माना जाता है, कम में ज्यादा असर पड़ता है। चोरों के दिमाग में होता है कि सोनार को लूट लिया जाए तो किसी अन्य को लूटने से अच्छा सोनार को लूट लेंगे तो काफी धन अर्जन कर लेंगे। तो स्वर्णकार समाज सबसे बहुत ज्यादा पीड़ित है, तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए, उनका विश्वास जीतने के लिए। ठीक, थैंक यू। लखनऊ से इस वक्त की ये बड़ी खबर है, जहां देश के टॉप 3 थाने में शुमार कुटुंबा पुलिस ने बच्चा चोरी के मामले में लीपापोती की है। 2 दिन पहले घर के बाहर खेल रही 1.5 वर्षीय मासूम बच्ची को बच्चा चोर लेकर भाग निकला। बुजुर्ग दादी ने लोगों से मदद मांगी थी। घर से करीब 500 मीटर दूरी कुर्सी रोड से लोगों ने आरोपी को दबोच लिया। सड़क के दूसरी तरफ बाइक से खड़ा आरोपी का दूसरा साथी फरार हो गया। पुलिस ने पीड़ित पिता को कोर्ट कचहरी का भय दिखाकर कार्रवाई न किए जाने की लिखित तहरीर ले ली है। इंस्पेक्टर कुटुंबा का दावा है कि आरोपी घर के पास ही बच्ची को खिला रहा था, वह नशे में था, जबकि CCTV फुटेज में आरोपी बच्ची को ले जाते हुए दिख रहा है। घर से करीब 500 मीटर की दूरी पर लोगों ने उसे दबोच लिया। पुलिस की इस लापरवाही से लोगों में आक्रोश है और थाना घेराव की चेतावनी भी दी है। फिलहाल सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहा है पीड़ित। व्यक्ति आया था मेरे घर के बाहर खड़ा हुआ था, जो मेरी बच्ची बाहर खेल रही थी। उस बच्चे ने, उस आदमी ने टॉफी दिखाई, मेरा बच्चा को उठा के लेके भाग गया। मेरा भाई, मेरे वाइफ दोनों लोग रोड पर भागते हुए आई, तो ये गायत्री मंदिर के पास उसे पकड़ा गया। घर से कितनी दूर है गायत्री मंदिर? 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर लगभग। अच्छा, आधा किलोमीटर। उसके बाद हम लोगों ने कई जगह ढूंढा उसको, जब नहीं मिली तब वो गायत्री मंदिर पे पकड़ में आया हुआ आदमी। जब वो पकड़ में आया तो उससे पूछा गया कि भैया ये कैसे लेके जा रहे थे, तो कह रहा बस उसे खिला रहे थे। गया तो थाने पे, उसकी ID देखी गई तो वो मुस्लिम था। अच्छा, फिर क्या हुआ उसे, पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस ने उसमें कार्रवाई किया कि जब यहाँ पर घर पे आए तो उसे देखा गया, तो उसमें दो लड़के और निकले घर में, उनको लेकर चली गई थाने। उसमें 2 लड़कियां भी थी और एक लड़का भी था उनका, तो इतने लोग बराबर। आपने थाने पे लिख के दिया था कि हम कार्रवाई चाह रहे हैं? हाँ, लिख के उसमें ये कहा था कि आप इसमें उचित कार्रवाई करिए। तो फिर क्या हुआ उससे? उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर अगले दिन मुझे बुलाया गया, मुझसे कहा गया कि उसमें आप ऐसा करिए कि आपको इसमें कार्रवाई हम करेंगे अपने हिसाब से, इसमें साइन कर दीजिए। बटे कर दिया। तो क्या लिखवाया साइन करवाने के लिए? उसमें ये लिखाया गया कि उसमें लिखवाया था कि हम लोग अब अपनी तरफ से उचित कार्रवाई आप करिए, हमें कोई उसमें नहीं है। अच्छा, मतलब आप कार्रवाई नहीं करवाना चाह रहे हैं, पुलिस जो चाहे अपनी तरफ से करे, यही ना करे। हमने ये कहा था कि जैसे हमारी बच्ची गायब हुई है वैसे कई बच्ची गायब हुई होगी, उस पर कार्रवाई करिए, ये बात थी। तो फिर क्या बोले दरोगा जी? उसके बाद दरोगा जी ने साइन करवा लिया। दरोगा जी ने कहा ठीक है, जाइए आप, फिर हम देखते हैं इसमें। अच्छा। उसके बाद शाम को पता चला कि फिर ये लोग मेरे घर के पास घूम रहे थे। कौन दरोगा था, नाम मालूम है? दरोगा जी का नाम तो नहीं पता है। अच्छा, ठीक है। तो उसके बाद कुछ जानकारी नहीं दी कि उसको क्या किए हैं क्या नहीं किए? नहीं, उसके बाद कोई जानकारी नहीं मिली। कल हमने एक वहाँ पे जानने वाले थे, उनसे पूछा तो बता रहे कि शायद जेल भेज दिया गया है। अच्छा, मगर वो लोग शाम को हमारे घर के पास फिर मिले, शाम को दिखे थे। शाम को मकान मालिक ने भी बताया, वो सब आ गए। आ गए हैं, मतलब आप चाहते हैं कि बच्चा चोरी किए थे तो उन लोगों को सजा मिले, कार्रवाई मिले, कार्रवाई हो, उसमें जांच हो कि और भी बच्चे उनके पास है तो बरामद हो।
ठीक है, ये कब की घटना है? 17 तारीख की? 16 तारीख। 16 तारीख की। मथुरा सौंख में तीनों कृषि कानूनों के विरोध में सौंख क्षेत्र के गांव मगुर्रा में गुरुवार को आयोजित किसान महापंचायत में राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने किसानों से कहा कि वह पहचान ले कि कौन तुम्हारा है कौन विरोधी है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के कथन, किसान एक आंख खेत पर रखे और एक आंख सत्ता पर रखे को याद दिलाते हुए कहा कि अभी समय है, स्थितियों को पहचान लो, किसानों को राजनीतिक ताकत का एहसास होना चाहिए, भेड़ की तरह पीछे चलना छोड़ दो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि किसान आंदोलनजीवी नहीं है, हम राजनीतिक रोटियां नहीं सेक रहे हैं, परिस्थितियां ऐसी बन चुकी है कि सारी बातें भूलकर एक हो जाएं। सरकार की ठोकर के कारण एक होने का मौका मिला है, किसान अब तो दिल्ली में भी प्रदर्शन भी नहीं कर सकते हैं। चौधरी चरण सिंह की जयंती पर किसानों को घाट जाने से रोका गया। चौधरी चरण सिंह जमीन से जुड़े थे, इसलिए किसानों की पीड़ा समझते थे। पूंजीपतियों के इशारे पर कानून बनाने वाले ईमानदार नहीं हो सकता। उधर बिजली की दरें और मीटर किसान और मजदूरों की कमर तोड़ रहे हैं, क्योंकि सरकार ने 250% बिजली दर बढ़ा दी है। महापंचायत में बलदेव, छाता, ओल, नोहझील, गोवर्धन सहित तमाम लोग शामिल हुए। इस दौरान एक चीज और चौंकाने वाली देखने को मिली कि किसान महापंचायत में बार बलाओं के ठुमके भी जमकर लगाए जा रहे हैं, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर अब धमाल मचा रहा है। लोगों का उत्साहवर्धन हुआ है, जिस तरीके से किसान आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं, सरकार से सरकार के हर फैसले को फेल कर रहे हैं, हर तरकीब को फेल कर रहे हैं। इससे उम्मीद जागी है लोगों के मन में कि ये सरकार अगर नहीं मानेगी किसान की बात, वो तो सरकार को हटाने के वादा रखता है। 2017 से लेकर 19 में हमें साने ऐसे मूल मंत्र रहेंगे, तीन जाटों को अपनी तरफ कर लिया क्या मूल मंत्र? बहुत आपत्तिजनक बात है, गृह मंत्री संविधान पे शपथ लेते हैं, गृह मंत्री के मुख से अगर कोई जाति विशेष के लिए कोई टिप्पणी आती है तो बेहद गलत है, निंदनीय है। किसान को यहाँ कोई जाति की बात नहीं। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा अपराध व अपराधियों पर नकेल कसने के लिए दिए गए निर्देश के अनुपालन में महाराजगंज पुलिस ने कोतवाली क्षेत्र में ताबड़तोड़ कार्रवाई कर अपराधियों के पांव तले जमीन खिसका दी है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक गजानंद चौबे क्षेत्र में शांति व्यवस्था और अपराध पर नकेल कसने के लिए पुलिस बल के साथ अपराधियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी क्रम में महाराजगंज पुलिस ने परशुरामपुर पुलिया के पास ही अवैध कच्ची शराब और एक अजत चाकू के साथ लक्ष्मण निषाद व वीरेंद्रेश निषाद नामक दो व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया। महाराजगंज कस्बे खास में मुखबिर सूचना पर कार्रवाई करते हुए महाराजगंज पुलिस ने पशु क्रूरता कर रहे 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 व्यक्ति भागने में सफल रहे। इनके पास से 14 अदद पड़वा, 3-4 खोटों में बंधा हुआ मुंह से झाग निकलता हुआ बरामद कर थाने परिसर में निरुद्ध कर दिया। तो वही एक अलग कार्रवाई के तहत वाहन चोरों पर भी बड़ी कार्रवाई की गई है। मिली सूचना के आधार पर महाराजगंज पुलिस ने रणवीर, गोपाल व जितेंद्र नामक 3 वाहन चोरों को परशुरामपुर से गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से चोरी का वाहन बरामद हुआ, जिसमें एक अदद अपाचे, एक अदद स्कूटी और एक अदद हीरो होंडा स्प्लेंडर भी बरामद हुआ है, जिनके नंबर प्लेट बदलकर अपराध को अंजाम देने का कार्य किया जाता रहा है। इस बाबत क्या कुछ कहा SP सुधीर सिंह आजमगढ़ में, सुनवाते हैं आपको। 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है और उनसे 3 मोटरसाइकिल चोरी की बरामद की गई है। ये शातिर चोर है, इनसे अभी पूछताछ की गई है और पूछताछ के दौरान इन्होंने जो लोग चोरी की मोटरसाइकिल लेते हैं उनके बारे में बताया, जो और इस तरह की घटनाएं करते हैं उनके बारे में बताया, और कैसे ये मोटरसाइकिल को ठिकाने लगाते हैं और फिर आगे कैसे डिलीवरी होती है इसके बारे में इनके द्वारा पूरी चीज़ बताई गई है। अभी और इस संबंध में खोजबीन की जा रही है और अभी आगे जाके इसमें कुछ और गिरफ्तारियां हम लोग करेंगे। महाराजगंज जनपद की कोतवाली पुलिस और साइबर टीम ने ऐसे साइबर हैकर को गिरफ्तार किया है जो देश की नामी कंपनियों के प्रोडक्ट का दाम एक ऐप के माध्यम से हटकर कम कर देते थे और उस सामान को ऑर्डर कर मंगाते थे, बाद में उस सामान वापस कर उस सामान की वास्तविक कीमत को अपने बनाए गए खाते में वापस ले लेते थे। इस तरह से इन दोनों साइबर हैकर ने करोड़ों रुपए कंपनियों को अब तक चूना लगा चुके हैं। महाराजगंज की साइबर पुलिस को इसकी भनक लगते ही इन दोनों साइबर हैकर को गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक प्रदीप गुप्ता ने जानकारी दी है। ये साइबर पुलिस जो हमारी यूनिट है यहाँ महाराजगंज की, इसके द्वारा ये सराहनीय कार्य किया गया है। इसमें 2 हैकर्स को पकड़ा गया है और ये दोनों स्टूडेंट हैं, एक का नाम है विशाल यादव और दूसरे का नाम है आकाश यादव, और ये हैकिंग के जरिए जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं उनको ये चूना लगाते थे और बड़ी मात्रा में इन्होंने लगभग 1 करोड़ से अधिक की ठगी की हुई है।
इनका प्रोसेस ऐसे होता है कि एक कुछ ऐप टर्मैक्स और वेब शूट करके दो ऐप हैं, उसको ये इंस्टॉल करते हैं, फिर ई कॉमर्स कंपनी का जो साइट है उस पर जाते हैं, उस पर ये बग खोजते हैं। जैसे ही बग मिलता है उसके बाद ये जो कोई भी प्रोडक्ट है उसका जो प्राइस है उसको एडिट कर देते हैं। जैसे 1,000 रुपये का प्राइस है तो उसको 10 रुपये एडिट कर देते हैं और उस 10 रुपये का ये ऑर्डर प्लेस करते हैं और थोड़ी देर बाद उस ऑर्डर को कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल करने के बाद इनके अकाउंट में चूँकि इन्होंने 10 रुपये खर्च किया था लेकिन ओरिजिनल प्राइस 1,000 रुपये वापस आ जाता है इनके अकाउंट में। तो इस प्रकार से ये बड़ी मात्रा में ठगी कर रहे थे। इसके अलावा कई मोबाइल वगैरह भी मंगाते थे और बाद में ये कह देते थे कि मोबाइल नहीं निकला है। तो अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट ऐसी बहुत सारी कंपनियों के साथ इन्होंने चीटिंग की हुई है। बहुत शातिर अपराधी हैं और इनको विभिन्न धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके हम जेल भेज रहे हैं। सब पुलिस के द्वारा कैसे ये गिरफ्त में आए हैं? ये हमको सूचना मिल रही थी कि कुछ लोग हैं जो इस प्रकार के काम कर रहे हैं और उसी आधार पे हम लोगों ने अपनी टीम लगाई हुई थी और टीम ने वेरीफाई करके फिर इनसे पूछताछ की तो इन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया है और ये एक बड़ा ठगी का रैकेट जो है, बड़ी ई कॉमर्स कंपनियां जो हैं उनके साथ ठगी का रैकेट प्रकाश में आया है। बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में मंडल स्तरीय कार्यकर्ता बैठक हरबंसपुर स्थित आरएस मैरिज हॉल में संपन्न हुई। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि सांसद व मंडल कोऑर्डिनेटर घनश्याम चंद्र सुखरवार ने कहा कि कार्यकर्ता त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अभी से जुड़ जाए, हर बूथ पर पार्टी को मजबूत बनाकर प्रत्याशियों को जिताने का काम करें। कहा कि आज केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के कारण किसान मजदूर परेशान है, सरकार पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने का काम कर रही है, केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार से जनता उब चुकी है। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव की तारीखों की घोषणा जल्द होने वाली है, ऐसे में पार्टी कार्य हर बूथ पर पार्टी को मजबूत बनाए क्योंकि कार्यकर्ता ही पार्टी के रीढ़ होते हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद हमें 2022 के मिशन के लिए भी लगना होगा और बहन कुमारी मायावती को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाना है। विशिष्ट अतिथि लालगंज सांसद संगीता आजाद ने कहा कि हमारे पदाधिकारी बूथ और सेक्टर को मजबूत बनाने का काम करें ताकि आने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बसपा का परचम लहरा सके। आज बहुजन समाज पार्टी की मंडल स्तरीय कार्यकर्ता बैठक थी जो हमारे हर महीने में होती रहती है और इस महीने में उसी क्रम में है। देखिए, कार्यकर्ता हमारे ऊर्जावान हैं और आज के कार्यक्रम से कार्यकर्ताओं में और जोश आ गया है। आगामी पहले तो त्रिस्तरीय चुनाव में हमारी सीटें सबसे अधिक निकलेंगी और भविष्य में जब 2022 का चुनाव होगा उसमें हम अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। अभी ये तो मान्य बहन जी का विषय है, इसमें हम आगामी चुनाव पंचायत चुनाव से ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ बहुत ऐसे दलित हैं जिनके नाम काट दिए गए हैं और राजनीतिक पार्टियों द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि जो वर्तमान में सरकार जिसकी है वो लोग पार्टियों में से वोट काट दे रहे हैं, जिनका जो वोट है उसका वोट काट दिया जा रहा है वोटर लिस्ट से। ऐसा कुछ हुआ है, कुछ गड़बड़ियाँ आई हैं, लगातार हमारे कार्यकर्ता उस काम में लगे हुए हैं कि जो भी साथियों का नाम कटा वो चढ़ जाए। और आज का विषय यह है, जैसे अभी समाजवादी पार्टी अपने घटते हुए जनाधार से परेशान है और इस क्रम में उसने तमाम अनर्गल तरह से प्रोपेगंडा फैलाने के लिए लखनऊ में बैठ करके BSP के बड़े नेताओं का नाम ले रहे हैं कि हमारे दल में शामिल हो गए। ऐसा कुछ नहीं है, BSP के बढ़ते हुए जनाधार से सारे लोग परेशान हैं और घबरा रहे हैं। ये देखिए, उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ है नहीं। उत्तर प्रदेश में गुंडा राज है, अराजकता का माहौल बना हुआ है, सामान्य व्यक्ति को जीवन जीना आज दुर्लभ हो गया है। आज लोग माननीय बहन जी को याद कर रहे हैं कि बहन जी की संस्कार होती थी तो ये गुंडे माफिया उत्तर प्रदेश की सरजमी पे नज़र नहीं आते थे। धन्यवाद। अतरौलिया थाना क्षेत्र के भैरवपुर दरगाह गांव निवासी ताहिर पुत्र इसहाक ने अतरौलिया थाने में दलील दी है कि 12 फरवरी को अपने घर में सो रहा था। 4 बजे भोर के करीब घर से कुछ आवाज़ आई, जब उठकर देखा तो इरशाद पुत्र मोहम्मद सुल्तान जिला समस्तीपुर बिहार अपने हाथ में डंडा लिए उसकी लड़की को भद्दी भद्दी गालियां व जान से मारने की धमकी देते हुए डंडा मारा, जिससे मेरी बेटी को चोट भी लगी। मना करने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देने लगा। घर के ग्रामीण लोगों ने उसे पकड़कर थाने लाया। पीड़ित युवती ने बताया कि लगभग एक वर्ष पहले इरशाद पुत्र सुल्तान निवासी समस्तीपुर बिहार से फेसबुक पर दोस्ती हो गई, लड़के ने इसे प्यार समझ लिया। एक तरफा प्यार में लड़के ने लगभग 3 महीने पहले से मुझे धमकी देने लगा कि अगर मुझे शादी नहीं करोगे तुम्हारी फोटो वायरल कर दूंगा। बीती रात को लड़के ने आकर मेरे साथ जबरदस्ती शादी करने के लिए दबाव बनाने लगा। थाना प्रभारी तौली ने बताया कि बीती रात को
इरशाद इनके घर आकर गाली गलौज कर रहा था शादी का दबाव बनाने में। लड़की के पिता ने तहरीर दी है और इनको गिरफ्तार किया गया है। आजमगढ़ नगर के अग्रवाल बंधुओं का परिवार अग्रोहा धाम हिसार हरियाणा के लिए धूमधाम से रवाना हुआ है। अग्रोहा धाम की यात्रा से रवाना होने के संबंध में अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के प्रदेश संगठन मंत्री ओम प्रकाश अग्रवाल लड्डू ने बताया कि यात्रा आज आजमगढ़ से चलकर 20 फरवरी को सुबह वृंदावन धाम पहुंचेगी, जहां बांके बिहारी जी के दर्शन के साथ साथ अन्य धार्मिक स्थलों के भी दर्शन करने के बाद अग्रोहा धाम के लिए प्रस्थान करेंगे। 21 फरवरी को महाराजा अग्रसेन द्वारा स्थापित अग्रोहा नगरी में भजन पूजन के साथ मुख्य स्थल के दर्शन होंगे, तत्पश्चात आजमगढ़ वापसी होगी। जनपद के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में एक साथ अग्रवाल समाज के लोग महाराजा अग्रसेन की नगरी में दर्शन पूजन करेंगे। इस यात्रा को श्री अग्रवाल हितकारिणी न्यास ट्रस्ट के अध्यक्ष अशोक अग्रवाल, सुदर्शन दास अग्रवाल, सुधीर अग्रवाल, विवेक अग्रवाल ने पन्ना टावर कोलाघाट सहरबाय पास से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस यात्रा में संजय अग्रवाल, पंकज अग्रवाल, प्रदीप अग्रवाल, अजय अग्रवाल, संतोष अग्रवाल, अर्पित अग्रवाल, नवीन अग्रवाल, सुनील अग्रवाल, अभिषेक अग्रवाल, लता अग्रवाल, छाया अग्रवाल, मीरा अग्रवाल, रेखा अग्रवाल, मोनिका अग्रवाल आदि लोग शामिल हैं। हुए बताइए आज ये किस तरह की यात्रा है और कहाँ कहाँ जाएगी? ओम प्रकाश अग्रवाल अग्रवाल विवाह समाज के जो है हम अध्यक्षक हैं और हम लोग अग्रोहा धाम जा रहे हैं। वृंदावन बथुआ होते हैं अग्रोहा धाम। हम लोग का एम ये है कि हमारा जो महाराज अग्रसेन जी जो थे, हम लोग उनके धाम में कभी गए नहीं हैं, उनके मंदिर में, तो हम लोग जाके अपनी यात्रा वहाँ पूरी करें। एक प्रकार से ये पूरा धाम है। इसे आप क्या समाज को संदेश क्या देना चाहिए अपनी यात्रा से? समाज को ये संदेश दे रहे कि जो हमारे आजकल के बच्चे जो जानते ही नहीं है, उनको सब सारी चीज़ें याद दिलाई जाएं और सबसे पहले हम लोग के जो पूज्य अग्रसेन जी हैं उनके धाम में हम लोग जाएं, वहाँ पे देखें और अपने पूर्वज को जानें। कुछ बताएं और अग्रसेन जी का अग्रोहा ट्रस्ट है जो हिसार में है, अग्रोहा में, वो बहुत ही बड़ा है, करीब 250 एकड़ में है। वहाँ मेडिकल कॉलेज भी है, एक अग्रोहा शक्तिपीठ है, एक अग्रोहा धाम है, एक अग्रोहा शिला पीठ है, चार धाम वहाँ पे है। ये ट्रस्ट क्या काम करता है? ट्रस्ट इसके लिए बहुत काम करता है। वहाँ पे मेडिकल कॉलेज है तो वहाँ पे सब कुछ फ्री ऑफ कास्ट होता है। जो भी बच्चे वहाँ मेडिकल में ट्रीटमेंट पढ़ते हैं और जितनी भी फ्री में ट्रीटमेंट होती है सब फ्री ऑफ कास्ट। सिर्फ अग्रवाल समाज के लिए कि सबके लिए? सर समाज के लिए, सभी के लिए। आजमगढ़ कलाल पीसीएस परीक्षा में 9वीं रैंक लाया है, इसके बाद क्षेत्र में खुशी की लहर है। बता दें कि क्षेत्र के बरसानी गांव निवासी सिद्धार्थ कुमार पाठक का पीसीएस परीक्षा में 9वीं रैंक आने पर उन्हें एसडीएम बनाया गया है, जिसे पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है। वही बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। इसी क्रम में क्षेत्रीय संयोजक भाजपा रमाकांत मिश्रा, चंद्रजीत तिवारी, सुनील पांडे समेत भाजपा नेताओं ने घर पहुंचकर बधाई दी है। सिद्धार्थ कुमार पाठक की प्राथमिक शिक्षा हाईस्कूल तथा इंटरमीडिएट CHS कॉलेज बनारस से हुई तथा बीटेक IIT BHU वाराणसी से किए। उसके बाद दिल्ली में रहकर तैयारी कर रहे थे कि 2018 में इनके पिता विनोद कुमार पाठक, जो फॉरेस्ट रेंजर थे, उनका निधन हो गया। निधन के बाद घर पर ही पढ़ाई जारी रखे। इनकी एक बहन वर्षा है जो कोलकाता में केंद्रीय विद्यालय में अध्यापिका है। सिद्धार्थ अपने माता पिता के इकलौते संतान थे। माता सुधा पाठक वन विभाग में कार्यरत हैं। सिद्धार्थ कुमार पाठक ने बताया कि मेरा लक्ष्य IAS बनकर देश तथा लोगों की सेवा करना है। क्या कुछ कहा सिद्धार्थ कुमार पाठक की पीसीएस ने, आपको सुनवाते हैं। बधाई। और उसके बाद आपने ये कहाँ से प्राथमिक शिक्षा की और कैसे ये सफर तय किया, इसके बारे में बताइए। प्राथमिक शिक्षा मेरी सरस्वती शिशु मंदिर से हुई है 8th क्लास तक। उसके बाद फिर बनारस में ही सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल से 10th और 12th की एग्ज़ाम क्लियर की है। उसके बाद फिर मेरा ग्रेजुएशन IIT BHU से सिविल इंजीनियरिंग में हुआ है और 2017 से मैं तैयारी कर रहा था और फाइनली 2019 में मेरी 9वीं रैंक आई है UPSC एग्ज़ाम में। आगे क्या तैयारी आप लोग? आगे IAS की तैयारी जारी रहेगी UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के थ्रू। जिलाधिकारी राजेश कुमार द्वारा जिला अस्पताल का निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के दौरान जिला अस्पताल के SIC द्वारा बताया गया कि सीवर जाम हो जाने से नाली का पानी ओवरफ्लो हो रहा है, जिस पर जिलाधिकारी ने जल निगम एवं EU नगरपालिका आजमगढ़ को निर्देश दिए कि तत्काल सीवर की सफाई कराएं। इसके साथ ही जिलाधिकारी द्वारा जिला अस्पताल में किए जा रहे पार्क के सौंदर्यीकरण का निरीक्षण किया गया। उन्होंने SIC को निर्देश दिए कि पार्क की पेंटिंग एवं पार्क में वृक्षारोपण कराना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही जिलाधिकारी द्वारा इमरजेंसी वार्ड परिसर को देखा गया। इस पर उन्होंने निर्देश दिए गए कि इमरजेंसी परिसर में मरीजों के बैठने के लिए टीन शेड एवं पत्थर की बेंच लगवाना सुनिश्चित करें।
निरीक्षण के दौरान सफाई व्यवस्था के लिए लगे हुए कर्मियों की संख्या कम पाए जाने पर जिलाधिकारी ने SIC को निर्देश दिए कि जब तक कि नामित किए गए एजेंसी के द्वारा सफाई के लिए लगाए गए सभी कर्मचारी नहीं आते हैं, जब तक सफाई व्यवस्था सही न हो जाए तब तक एजेंसी को भुगतान न किया जाए। डकोर पुलिस अधीक्षक जालौन के कुशल निर्देशन में सक्रिय अपराधियों टॉप 10 जिला बदर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान में थाना डकोर पुलिस गश्त पर थी। तभी उन्हें मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम खरका मुखिया बालू खदान मोड़ के पास जिला बदर अभियुक्त निर्दोष राजपूत पुत्र चंद्रपाल राजपूत निवासी ग्राम खरका थाना डकोर जनपद जालौन गिरफ्तार किया है। क्षेत्राधिकारी वही संतोष कुमार ने बताया कि जिला बदर अभियुक्त को एक अवैध 3315 बोर तथा 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध लगभग 1.5 दर्जन मुकदमे पहले से ही हैं, जिसे बीती 26 अक्टूबर 2020 को जिलाधिकारी द्वारा 6 माह के लिए जिला बदर घोषित कर दिया गया था। अभियुक्त के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करके जेल भेजा जा रहा है। या कुछ कहा क्षेत्राधिकारी उरई संतोष कुमार ने, आपको सुनवाते हैं। सर, डकोर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली, एक अपराधी को गिरफ्तार किया, क्या है पूरा मामला? ये थाना डकोर क्षेत्र का एक अपराधी निर्दोष राजपूत है, जो जिले का टॉप 10 अपराधियों में इसके नाम था, जिला बदर भी किया गया था इसको, और कोतवाली उरई क्षेत्र के एक लूट की घटना में भी साथ शामिल था, जिसकी तलाश थी हमें। कल उसको गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तार करके इसको जेल भेजा जा रहा है। इसका क्रिमिनल हिस्ट्री काफ़ी लंबा चौड़ा है, इसके पहले 15 मुकदमे पहले से इसके खिलाफ दर्ज थे। सर, किसी गैर जनपद में इसके खिलाफ कोई मुकदमा है? अब वो भी पता करके विवेचना में शामिल किया जाएगा। अभी हमारे जनपद में इसमें 15 मुकदमे इसमें पूर्व से लिखे हुए थे। डकोर कोतवाली और उरई कोतवाली के अलावा सर कहीं और इस पे मुकदमे अपने जनपद में? वो विवेचना में इसको सम्मिलित कर लेंगे, कहीं और मुकदमे होंगे पंजीकृत करके तो विवेचना में शामिल। सर, कोई संगीन अपराध? हाँ, ये हत्या लूट और सप्लाई करने, इस तरह के मुकदमे इसके ऊपर लिखे गए। ओके सर। आजमगढ़ जिले के सगड़ी तहसील क्षेत्र के चुनुगपार स्थित लद्दा शाह की मजार के पास किसानों के समर्थन में कांग्रेस पार्टी द्वारा किसान पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्र सरकार के रवैये के खिलाफ जमकर विरोध जताया गया। कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष ने कहा कि जो किसानों के लिए कानून बनाया गया है वह किसानों के हित में नहीं है। केंद्र सरकार यह कानून बनाकर किसानों की जमीन पूंजीपतियों के हाथ में सौंपना चाहती है, जो किसानों की जमीन हथिया कर पूंजीपतियों के हाथ में किसानों को खिलौना बना रही है। ऊपर से देश का अन्नदाता आज सैकड़ों सड़कों पर है, पर सरकार यह काला कानून वापस लेने को तैयार नहीं है, जबकि बार बार किसान मांग कर रहे हैं कि इन कानूनों को वापस लिया जाए। नगर पालिका मुबारकपुर के मोहल्लापुरा दुल्हन वार्ड नंबर 24 में स्थापित डंपिंग ग्राउंड पर पूजा कंसोलेशन कंपनी हरियाणा द्वारा लगाए गए कूड़ा निस्तारण प्लांट का जिलाधिकारी राजेश कुमार द्वारा बटन दबाकर उद्घाटन किया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि कूड़ा निस्तारण प्लांट के माध्यम से मिश्रित कूड़ा प्रोसेसिंग के बाद खाद बड़ी पन्नी छोटी पन्नी एवं इंट वेस्ट के रूप में प्राप्त होगा। अगर नगर पालिका खाद को किसानों को भी दे सकती है और इनट वेस्ट से गड्ढे भरने का कार्य करेगी। बड़ी पन्नी एवं छोटी पन्नी को प्लास्टिक की एक सामग्री बनाने के प्रयोग में किया जा सकता है। पूजा कंसोलेशन हरियाणा के प्रतिनिधि ने बताया कि लगभग 700 रुपये प्रति टन की दर से कूड़ा लिया जाएगा और उसका कूड़ा निस्तारण प्लांट के माध्यम से प्रोसेस करने के बाद जो भी मटेरियल प्राप्त होगा उसे नगर पालिका मुबारकपुर को दे दिया जाएगा। इस अवसर पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट SDM सदर गौरव कुमार, ISEO नगर पालिका मुबारकपुर, राजपथ पैद सहित तमाम क्षेत्रीय अधिकारी मौजूद रहे।